ब्लैक पैंथर में एक कॉन्सेप्ट दिखाया, वकांडा नाम का एक शहर जो कि कैमोफ्लज्ड है, वो नेकेड आई से दिखता नहीं। ये जो कैमोफ्लज सिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। कैलाश पर्वत के ऊपर बोलते हैं कि एक पूरा शहर है जिसका नाम है ज्ञानगंज, उसी को चाइनीज और दूसरे जो है वो उसको उसी को शंग्रीला बोलते हैं, जो असल में दिखता नहीं है मगर है। अब आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वकांडा का कॉन्सेप्ट शंग्रीला या ज्ञानगंज से उठाया हुआ है, इसलिए क्योंकि उसमें फर्स्ट पार्ट में हीरो को अपना पोटेंशियल साबित करना होता है, तो वो लोग लेक के ऊपर लड़ते हैं, झरने के ऊपर, तो उसका जो कंटेंडर आता है ना, जो उसको जो चैलेंज करता है, वो दूसरे कबीले का मेन बंदा है, तो वो आके फाइट करने के पहले बोलता है ग्लोरी टू हनुमान एंड देन ही स्टार्ट्स फाइटिंग। हमारा ये मानना है कि ज्ञानगंज जो शहर है कैलाश पर्वत के ऊपर बसा हुआ, ये 7 चिरंजीवी वहां रहते हैं। अच्छा, वो तब आते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है। हमारा ये मानना है कि जितने भी जानवर यहाँ से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, वो सब वहां जमा हो रहे हैं।